मुंबई हिट एंड रन केस के मुख्य आरोपी मिहिर शाह को पुलिस ने 60 घंटे के बाद गिरफ्तार कर लिया है। विधायक आदित्य ठाकरे ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि मिहिर शाह को गिरफ्तार करने में 30 घंटे क्यों लगे। आपको बता दें कि मुंबई के वर्ली में हिट एंड रन के केस के चलते एक महिला की मौत हो गई थी, उनके पति घायल हो गए थे। मिहिर शाह पर आरोप है कि जिस गाड़ी से स्कूटर को टक्कर लगी वो गाड़ी मिहिर शाह चला रहे थे और इसी केस के संबंध में मिहिर शाह को गिरफ्तार किया गया है। मिहिर राजेश शाह को जो पकड़ा गया है 60 घंटे लगभग लगे हैं। मेरा यही सवाल है कि 60 घंटे क्यों लगे, 3 दिन क्यों लगे। पहली बात तो यह है कि सीसीटीवी नेटवर्क पूरा है, इंटेलिजेंस नेटवर्क है, तो भी कोई ना कोई इसको मदद कर रहा था क्या, ये सवाल है। और दूसरी हमारी मांग यही रहेगी कि ये सिर्फ हिट एंड रन की केस करके ना ट्रीट किया जाए, इसे मर्डर करके देखा जाए, क्योंकि ये मर्डर हुआ है।